अब विक्रम फर्स्ट पोस्ट और एक नजर डालते हैं बुधवार सुबह 11 बजे तक की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी से नेताओं के छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। पत्रकार आशुतोष के बाद पत्रकार आशीष खेतान ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आशीष खेतान निजी कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर जा रहे हैं, लेकिन वहीं राजनीतिक हलकों में ये कयास है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि पार्टी उन्हें दोबारा नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट देने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज से देशभर में अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में देशभर के राज्यों के अध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें वाजपेयी का अस्थि कलश सौंपेंगे। केंद्र सरकार ने 3 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, जबकि कुछ राज्यों में गवर्नर बदले गए हैं। यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता लालजी टंडन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है, जबकि बिहार के गवर्नर सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एनएन वोहरा का कार्यकाल पिछले महीने समाप्त हो गया था, लेकिन अगले आदेश तक उन्हें बने रहने के लिए कहा गया था। वहीं बिहार में बीजेपी के नेता सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है, जबकि बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया है। और अब बात क्रिकेट की। भारत नॉटिंघम टेस्ट जीतने से सिर्फ 1 विकेट पीछे है। भारत के 521 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने अब तक 9 विकेट खो दिए हैं, और जबकि 210 रन अभी भी वो पीछे है। हालांकि भारतीय टीम की जीत का जो इंतजार बढ़ाया है वो इंग्लैंड के बल्लेबाज जोश बटलर ने, जिन्होंने की शानदार शतक लगाते हुए भारत की जीत को एक दिन आगे धकेल दिया है। फिलहाल इस जीत के साथ भारत सीरीज में 2-1 पर आ जाएगा। तो सुबह 11 बजे तक के हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी फर्स्ट पोस्ट .com।